हेलो एवरीबॉडी, हियर आई एम सोनू शर्मा, इंस्पिरेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड अ लाइफ कोच। 20 साल पहले जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। पैसे की तकलीफ मैंने अपने जीवन में देखी है। 98 में जब ग्रेजुएशन करके मैं घर पहुंचा तो पिताजी को जब डिग्री हैंडओवर किया तो पिताजी ने मुझे कुछ हैंडओवर किया और वो था 3 लाख रुपए का कर्जा। साथियों, पैसा क्यों नहीं होता एक मिडिल क्लास फैमिली के आदमी के पास? आज का वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो पैसे से प्यार करता है। आज का वीडियो हर उस इंसान के लिए है जिसके पास पैसे नहीं है। आज का वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो पैसे तो बहुत कमाता है पर जब भी पूछो एक ही रोना रोता है, पैसा कहां जाता है समझ नहीं आता। साथियों, आज का वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो पैसों का खेल समझना चाहता है कि क्यों कुछ लोगों के पास अकूत संपदा है और कुछ लोगों को अपनी ईएमआई के लिए हर महीना स्ट्रगल करना पड़ता है। कुल मिलाकर आज का वीडियो मेरे भारत के लिए है, भारत में रहने वाले मेरे ही जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के लिए है, हर उस इंसान के लिए है जो मेहनती है, सपने देखता है, आगे बढ़ना चाहता है पर रास्ता नहीं दिख रहा, कोई सही सलाहकार नहीं मिल रहा। मैं सपोर्ट करूंगा अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से और आज आपको पैसों का खेल समझाऊंगा। कहते हैं पैसा सब कुछ तो नहीं पर पैसे के बिना भी कुछ नहीं, पैसा भगवान तो नहीं लेकिन उसका छोटा भाई जरूर है, पैसा सुख नहीं पर सुख खरीदने का साधन जरूर है। आज के वीडियो में बात करूंगा सबसे जटिल लेकिन सबसे शानदार विषय पर, मनी साइकोलॉजी। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर अभी भी नहीं किया तो नीचे घंटी है उसे बजा दीजिए, प्रेस द बेल आइकन। अच्छे अच्छों को पैसे का खेल समझ नहीं आता क्योंकि किसी क्लास में, किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में पैसे के बारे में पढ़ाया नहीं जाता। साथियों, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है इस देश का जानते हैं कि अगर आपको सीए करना है ना तो सीए करने के लिए भारत के अंदर इंस्टीट्यूट है, आप जाइए एडमिशन लीजिए और आप बन सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको एमबीए करना है तो भारत में एमबीए करने के लिए इंस्टीट्यूट है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टरी कराने के लिए इंस्टीट्यूट है। आपको फैशन डिजाइनिंग करनी है तो आपके पास इंस्टीट्यूट है। आपको कुछ भी करना है देश आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। लेकिन तकलीफ यह है कि पैसे का खेल समझने समझाने के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी सालों से कर रहा है, सबसे पहले आज उसकी बात करता हूं। इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। एक फॉर्मूला आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस फॉर्मूले ने हिंदुस्तान की मैक्सिमम आबादी को हमेशा के लिए गरीब बना दिया है। जी हां, मैं रिपीट करता हूं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान की मैक्सिमम आबादी हमेशा के लिए गरीब हो गई है। क्या है ये? खर्च करने के बाद बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करना, खर्च करने के बाद बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करना। दिस इज द ब्लंडर मिस्टेक अ कॉमन मैन इज डूइंग सिंस लॉन्ग लॉन्ग टाइम। अगर आप वेल्थी होना चाहते हैं, रईस बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले को ध्यान से समझिए। आमदनी होने पर आप नॉर्मली क्या करते हैं, खर्च या बचत? अगर आप ज्यादातर लोगों में से हैं जो खर्च पहले करते हैं और महीने के आखिर में जो बचता है उसे इन्वेस्ट करते हैं तो साथियों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खतरे के निशान से ऊपर जा चुकी है। मैं समझाता हूं आपको। आपने जो भी पैसा कमाया हर महीने, मान लेते हैं आप सैलरीड हैं, आप तनख्वाह लेते हैं, मान लेते हैं आप बिजनेसमैन हैं, आपको प्रॉफिट होता है, आप हर महीने जो भी पैसा कमाते हैं सबसे पहले आपकी कमाई पर डाका डलता है और डाका मारने आते हैं आपके एक्सपेंडिचर। कमाई हुई नहीं, सैलरी ट्रांसफर हुई नहीं, अचानक मुंह फाड़े एक्सपेंडिचर सामने आ जाते हैं। सबसे पहले बच्चों की स्कूल फीस अगर आप शादीशुदा हैं, उसके बाद आपकी कार की ईएमआई, उसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड की ईएमआई, उसके बाद आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल, उसके बाद आपकी न जाने कितने सारे खर्चे मुंह फाड़े आपके सामने आ जाते हैं। जैसे ही 1 तारीख को या 7 तारीख को आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है, आप अच्छे से इस बात को जानते हैं कि बहुत सारे लोगों से लोन लिया जाता है पिछले महीने कि तनख्वाह आएगी तो भाई मैं तुझको दे दूंगा, और तनख्वाह आते ही वो पहले कर्जे चुकाए जाते हैं। सारे के सारे खर्च करने के बाद आपकी कमाई में से अगर कुछ बच जाता है तो मेरे दोस्त लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं।
यानी कमाई का सबसे पहला भाग जाता है खर्चों पे और बचा हुआ भाग जाता है इन्वेस्टमेंट पे। इसीलिए इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं है क्योंकि साला यहां पर कुछ बचता ही नहीं है। यह फॉर्मूला आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफी है। साथियों, आपकी कमाई पर, खून पसीने की गाड़ी कमाई पर सबसे पहला अधिकार खर्चों का नहीं है, आपकी कमाई पर सबसे पहला अधिकार इन्वेस्टमेंट का है। मैं आपको समझाता हूं और एक शानदार फॉर्मूला देता हूं जो आपको जिंदगी में रईस बना सकता है और आपको पैसे की कभी तकलीफ नहीं होगी। अभी आप फॉर्मूला देख रहे हैं जो आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ऑल्दो तो इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है मिडिल क्लास फैमिली के आदमी के अंदर, क्योंकि खर्चा ही सारा खा जाता है, कुछ बचता ही नहीं है, तो इन्वेस्ट कहां से होगा। मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, थोड़ा सा चेंज करते हैं कि आपकी जैसे ही सैलरी आई, जैसे ही आपको प्रॉफिट हुआ, कोई भी कमाई हुई, इसका पहला भाग खर्चे के रूप में नहीं इन्वेस्टमेंट के रूप में इस्तेमाल करना है। कसम खाइए आज के बाद कि आपकी जो भी कमाई आती है पहले खर्चे का भुगतान नहीं होगा, पहले इन्वेस्टमेंट होगी, जो बच जाएगा उससे खर्चा करेंगे। थोड़ा टाइट हो जाएंगे, थोड़ी टेंशन हो जाएगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपकी कमाई पर पहला अधिकार इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए, खर्चे का बिल्कुल नहीं। अगर आप पैसों को लेकर अपनी समझ को और बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा इस विषय पर पढ़ना होगा। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपका पैसों के प्रति नजरिया बिल्कुल बदल के रख देगी, जिसे पढ़कर पैसों के प्रति मेरी समझ और बढ़ गई। जी हां, साइकोलॉजी ऑफ मनी। और हां, अगर पढ़ने में आलस आता है तो भी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि किताब ले तो आते हैं पढ़ी नहीं जाती। साथियों, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप पूरी की पूरी किताब कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। इसमें आपको फाइनेंशियली फ्री होने की हर एक स्किल के बारे में विस्तार से बताया गया है। और कुकू एफएम भारत का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, 100% मेड इन इंडिया ऐप है। अब बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सुनकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। नॉर्मली इसका सब्सक्रिप्शन 399 रुपीस का होता है, लेकिन मेरा कोड S150 इस्तेमाल करके आपको 199 में मिल जाएगा। कुकू एफएम को डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आपके लिए आसानी होगी। साथियों, मैं आपको बता दूं कि 1956 के अंदर एक किताब आई थी जॉन एस क्लार्सन की, रिचेस्ट मैन इन बेबलॉन। मैंने पढ़ी, बेहद शानदार किताब। आज इस किताब को आए करीब करीब 70 बरस हो गए। जॉन एस क्लार्सन ने कहा कि आपको अगर रईस बनना है, पैसों के प्रति आपको कुछ समझ तय करनी है, तो आपको एक काम करना होगा। जॉन एस क्लार्सन ने 10% बचत का सुझाव दिया। आपको जान के हैरानी होगी कि 1956 में ही उन्होंने कहा कि आदमी को अपनी आमदनी में से कम 10% बचाना चाहिए, जबकि एवरेज एज उस दौर में 55 साल थी, यानी एक आदमी 55 साल तक ही जीवित रहता था। तब भी वो कहता था कि 10% बचाना चाहिए। आज मेडिकल साइंस ने खूब तरक्की कर ली और एवरेज एज बढ़कर 80 साल से ऊपर हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि पहले लोग अपनी रिटायरमेंट से पहले ही दुनिया छोड़ देते थे, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। लोगों की उम्र बढ़ गई है, खर्च बढ़ गया है, रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। आज मैं आपको आपकी जिंदगी का अब तक का सबसे मुश्किल काम करने को कहने वाला हूं। मैं जो कहने वाला हूं उसे सुनकर आपके पसीने निकल सकते हैं, लेकिन मेरा दावा है कि मेरी बात मानकर आपका जीवन बेहद आरामदायक बीतेगा, इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूं। मनी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा नियम बताने जा रहा हूं 50% का। मनी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा नियम बताने जा रहा हूं 50% का। साथियों, 50% का नियम, जी हां, सही सुना आपने, 50% का नियम, यानी आज आप जितना भी कमाते हैं उसमें से 50% आपको बचाना सीखना होगा। जी हां, बहुत बड़ी बात आपसे कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि बचत की राशि नहीं, प्रतिशत महत्वपूर्ण होता है। आप कहेंगे 50% तो बहुत ज्यादा है, तो मैं कहूंगा जी हां। आप कहेंगे ये तो बहुत मुश्किल है, तो मैं कहूंगा हां। मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि इसको कर डालिए। मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूं, लेकिन फिर भी मेरा यह मानना है कि आप इसे कम करने की कोशिश ना करें, बस इसे कैसे भी कर दें, कितनी भी तकलीफ हो। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहता आया हूं कि आज अनकंफर्टेबल हो जाएं ताकि बाद का जीवन कंफर्टेबल हो जाए, और अगर गलती से साला आज कंफर्टेबल हो गए ना, तो बाद का जीवन बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा। साथियों, आप दो तरह से पैसे बना सकते हैं, ज्यादा कमा के या खर्च कम करके।
साथियों, अगर सरकार, मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, सरकार अगर अनाउंसमेंट कर दे कि जो भी इंसान अपनी तनख्वाह या अपनी कमाई में से 50% बचाएगा, 20 साल के बाद उसको 4 करोड़ रुपया दिया जाएगा, तो ना जाने कितने लोग खुशी खुशी करोड़पति बनना चाहेंगे। क्योंकि करोड़पति कौन नहीं बनना चाहता, केबीसी की पॉपुलैरिटी की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि हर आदमी करोड़पति बनना चाहता है। अगर आप 50% बचाने के लिए तैयार हो जाएं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको किसी सरकार की जरूरत नहीं, ये काम आप खुद कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं कि अगर आज आपकी तनख्वाह मात्र 50,000 रुपया महीना है, जी दोबारा से सुनिए, अगर आपकी तनख्वाह सिर्फ 50,000 रुपया महीना है और आप 50% के प्रिंसिपल को लागू करते हैं, यानी अपनी कमाई 50% हर महीने इन्वेस्ट करते हैं 20 बरस तक, तो 20 बरस के बाद आपको 4 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। मैं 2 प्रिंसिपल यहां पर ऐड कर रहा हूं कि आपकी तनख्वाह हर साल 10% के हिसाब से बढ़ जाती है और आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे 10% का रिटर्न होता है। 2 प्रिंसिपल बता रहा हूं, पहला कि आपने अपनी कमाई का 50% इन्वेस्ट किया, दूसरा आपकी कमाई हर साल 10% बढ़ रही है और आपकी लगाई गई इन्वेस्टमेंट भी 10% बढ़ रही है। एक चार्ट से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। साथियों, चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूं कि अगर आप साल का 6 लाख रुपया कमाते हैं, महीने का 50,000 होता है, अगर आप साल का 6 लाख कमाते हैं तो 50% का सिद्धांत कैसे आपके लिए काम करता है। आपने इन्वेस्ट किए 3 लाख रुपए और आपकी टोटल सेविंग है एक तरीके से 3 लाख रुपए की। अगले महीने 10% आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, यानी इन्वेस्टमेंट हुई 3,30,000 रुपए, 3 लाख पुराना, 3,30,000 ये, और 10% का आपको साल का रिटर्न मिला, तो आपके पास बैंक में पैसा है अब 6,93,000 रुपए। सिंपल है, अगले साल आपकी इन्वेस्टमेंट हुई 3,63,000 रुपए, पुराना 6,93 यहां जुड़ गया और 10% की आपको रिटर्न मिली, टोटल आपके पास है 11,61,000 रुपए। अगर आप इसको इसी क्रम में आगे समझने लग जाएं कि इसमें 2 चीजें हमने ऐड करी हैं, पहला कि आपकी हर साल कमाई 10% बढ़ती है, दूसरा आपकी लगाई गई पूंजी भी 10% बढ़ती है, तो 20 साल के बाद क्या हो सकता है, 20 साल के बाद कमाल हो सकता है। 11वें साल, 12वें साल, 13वें साल, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20, इस तरीके से अगर आप हर साल 50% का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आखिरी में अगर आप पाएंगे कि आपको 20 साल के बाद करीब करीब 4 करोड़ रुपए की रिटर्न मिलती है। इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने इस पूरी दुनिया में बेतहा पैसा कमाया। एग्जाम्पल देके इस स्टोरी को खत्म करना चाहता हूं। भारत भूषण बहुत बड़े फिल्म स्टार थे अपने जमाने के अंदर, बेतहा पैसा कमाया, बहुत सारी फिल्में करी, बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई, लेकिन खर्च कंट्रोल नहीं कर सके और जिंदगी का आखिरी वक्त मुंबई की किसी चाल में गुजारा। साथियों, लोगों की आमदनी ज्यादा होती है लेकिन नेटवर्थ बहुत कम होता है और लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी नेटवर्थ कितनी है। अगर आप 20 लाख की एसेट्स के मालिक हैं और 19 लाख का लोन है, तो आपकी नेटवर्थ सिर्फ 1 लाख रुपए की है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि आमदनी से आपकी अमीरी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, नेटवर्थ ही आपकी अमीरी का असली पैमाना है। आपको पता होना चाहिए कि आज आप कितने अमीर हैं। भारत भूषण का उदाहरण मैंने आपको दे दिया साथियों, और मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल दूंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और उसकी कहानी है और उस व्यक्ति का नाम है माइक टाइसन। हर आदमी जानता है माइक टाइसन को, इस पूरी दुनिया में माइक टाइसन मशहूर हुए। जब उनका करियर चल रहा था, अपने शबाब पर था, तो उन्हें हर मुकाबले के लिए $30 मिलियन मिलते थे। उन्होंने अपने शुरुआती 20 सालों में करीब करीब $400 मिलियन कमाए, लेकिन फालतू फंड के खर्चों के चलते सन 2003 में उन्होंने दिवालियापन की अर्जी दी, वे कर्ज में डूब चुके थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आज का ये वीडियो हर उस आदमी के लिए है जो कमाता तो बहुत है बचाता नहीं है, क्योंकि कमाई के साथ बचाना भी जरूरी है। कहते हैं मनी सेव इज मनी अर्न, और बचे हुए पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना बेहद जरूरी है। इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और सर्कुलेट करिए हिंदुस्तान में हर किसी व्यक्ति के पास, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा वीडियो हो सकता है जो भारत की इकोनॉमी को भी एक बहुत बड़ा योगदान दे, ताकि लोगों को पता चले इनकम
इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट गलत है, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस होना चाहिए। साइकोलॉजी ऑफ मनी जरूर पढ़ें कुकू एफएम के ऊपर और इस पूरे वीडियो में बताई गई बातों को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें। मैं दावा दे सकता हूं अगले 5 साल में आपकी जिंदगी बदल जाएगी और गरीबपुर से अमीरपुर का टिकट मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं, सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को फैला दीजिए इतना कि पूरे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति जो खून पसीने की मेहनत से पैसा कमाता है उस तक पहुंच जाए। अगले किसी और वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया।